इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, धुआंधार प्रचार में जुटे हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बिजनौर, शामली और सहारनपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ताबड़तोड़ दौरे सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा किए जा रहे हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारक नगीना केराना सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र में प्रचार करते नजर आएंगे, जनसभा के जरिए समर्थन जुटाते यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का जिम्मा जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर दिया गया है, बीजेपी 80-81 सीटों पर दाव ठोकती नजर आ रही है, तो यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ जरा भी कोताही बरतने को मंजूर नहीं है। लगातार एक एक सीट पर विशेष तरीके से ध्यान दिया जा रहा है। सहारनपुर ये वो सीट जहाँ पर बीएसपी फिलहाल के लिए काबिज है और इस पे वापस से अपना कब्जा जमाने के लिए लगातार बीजेपी प्रयास कर रही है। जहाँ आज सीएम योगी आदित्यनाथ सहारनपुर पहुंचने वाले हैं, बिजनौर, शामली और सहारनपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज के दिन रहेंगे। आदित्यनाथ आज धुआंधार प्रचार में जुटे हुए लगातार वो जिलों के दौरे कर रहे हैं, बीजेपी के लिए समर्थन जुटाते नजर आ रहे हैं। जहां आज के दिन बिजनौर, शामली और सहारनपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। नगीना केराना सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र में प्रचार करते नजर आएंगे, जनसभा के जरिए समर्थन जुटाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 19 अप्रैल से जो है चुनावों मतदान का आगाज हो रहा है। 7 चरणों में मतदान होना है और पहले चरण के मतदान में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर जो है मतदान होना है। कुल 102 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें से यूपी की 8 सीटें जिन पर मतदान होना है पहले ही चरण में। सहारनपुर ये तमाम सीटें हैं जिन पर पहले ही चरण में मतदान होना है। बिजनौर, शामली, सहारनपुर, तो इन तीनों सीटों पर बीजेपी के लिए समर्थन जुटाते हैं यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। जिस तरीके से लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक के तौर पर लगातार काम करते नजर आ रहे हैं, लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, जुटे हुए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटें बीजेपी को दिलाई जा सके। और तमाम सीटें ऐसी, सहारनपुर हो गया, बिजनौर हो गए, जिन्हें जीतना बहुत जरूरी बीजेपी के लिए। और एक एक सीट पर विशेष तरीके से बीजेपी ध्यान दे रही है, क्योंकि टारगेट इस बार का बहुत बड़ा है। 400 का टारगेट एनडीए के लिए सेट किया गया, वहीं बीजेपी ने खुद के लिए 370 का टारगेट जो है वो सेट किया। और इस टारगेट को पाने के लिए जो है वो पूर्ण जोर तरीके से बीजेपी प्रयास कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार धुआंधार प्रचार करने में जुटे हुए हैं। 2014 की बात करें तो 282 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी, वहीं 2019 में 303 सीटें बीजेपी ने जीती थी। और इस बार उससे भी बड़ा टारगेट सेट करते हुए बीजेपी, जहां पर 370 का लक्ष्य बीजेपी ने यहां पर रखा, और इसी के मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। तो लगातार धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो जहां पर आज बिजनौर, शामली, सहारनपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, नगीना केराना सहारनपुर लोकसभा सीट जो है वो बेहद अहम है और इसी को साधने के लिए प्रचार करते नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जनसभा के जरिए बीजेपी के लिए समर्थन जुटाएंगे, जो तमाम प्रत्याशी बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारे हैं उनके लिए समर्थन जुटाते हैं यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो नजर आएंगे। बेहद अहम उत्तर प्रदेश, तो धुआंधार प्रचार में यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ जुटे हुए हैं। जहां नगीना केराना सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र में जो है जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे, बीजेपी के पक्ष में माहौल यहाँ पर बनाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे स्टेट हेड जुड़ गए हैं, इसी के साथ दानिश मिर्जा हमारे साथ बिजनौर से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सबसे पहले राघवेंद्र आपके पास आते हुए, राघवेंद्र पहले चरण में 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है, इसमें 8 सीटें बीजेपी, 8 सीटें जो है उत्तर प्रदेश जिन पर मतदान होना है, और ये तमाम सीटें जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले, किस तरीके का प्रभाव इन सीटों पर पड़ने वाला है? सहारनपुर एक वो सीट जहां पर बीएसपी काबिज है, तो इन तमाम सीटों पर अपनी पैठ जमाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा इसका? आकलन करें तो उसमें 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जीती थी,
वो भी तब 7 सीटें जीती थी कि पिछले चुनाव में किसान आंदोलन अपने चरम पर था। इसके अलावा आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन का हिस्सा थी और इस चुनाव में आरएलडी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ है और किसान आंदोलन में दिखाई नहीं दे रहा। और जिस तरह से केंद्र सरकार की योजनाएं हर वर्ग जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को मिला हुआ है, हर वर्ग लाभान्वित हुआ है। इसके अलावा 7 साल में योगी आदित्यनाथ द्वारा जिस तरह की कानून व्यवस्था पे काम किया गया, गरीबों की योजनाओं के लिए काम किया गया, महिला सुरक्षा को लेकर काम किया गया, अपराधियों माफियाओं का सफाया जिस तरह से किया गया, प्रदेश में निवेश का माहौल बनाकर जिस तरह से रोजगार की गारंटी दी गई, उसको देखते हुए इस बार ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने ट्रैक रिकॉर्ड में सुधार करते हुए दिखाई दे। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी था कि 80 बनेगा 400 पार का आधार। और उसी क्रम में आप देख रहे हो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक दिन में 3-3 जिले का दौरा महीनों से चल रहा है। पहले प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के रूप में चलता था, लेकिन अब जब से आचार संहिता लागू हुई है उसके बाद से रैलियों में तब्दील हो गया है और रोड शो में तब्दील हो गया। और उसी क्रम में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा सहारनपुर, बिजनौर और शामली में प्रस्तावित है। दोपहर में अभी मुख्यमंत्री का संबोधन बिजनौर में होगा, उसके बाद ये कैराना पहुंचेंगे और शाम को शामली में रोड शो का भी आयोजन रखा गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत को लेकर तो आश्वस्त दिखाई दे रही है, वो अपने ट्रैक रिकॉर्ड को सुधारना चाहती है और पश्चिम की वो सीटें जो खोई हुई थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जब होने वाला था उसके पहले ही टारगेट रखे थे कि जब पहले जो हारी हुई पड़ी हुई थी तब से बीजेपी ने अपना प्रचार जो है वो शुरू कर दिया। हारी हुई सीटों पे मंथन करते हुए भारतीय जनता पार्टी दिखाई दी थी कि पहले जो हारी हुई सीटें हैं उस पर हम मेहनत करेंगे, उसके बाद जो जीती हुई सीटें हैं उस पर हम मेहनत करेंगे। और इस बार अपने ट्रैक रिकॉर्ड को सुधारने के लिए भारतीय जनता पार्टी दिन रात एक की हुई है, उसके एक से एक बड़े नेता रैलियों में रोड शो में दिखाई दे रहे हैं। कोई किसी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल ही रखा उत्तर प्रदेश का, 80 सीटों का जिम्मा जो है उन्हीं के कंधे पर। बिजनौर से हमारे साथ दानिश मिर्जा भी जुड़े हुए हैं। दानिश, बिजनौर आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले, कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ जानकारी, कितने बजे आएंगे? देखिए बिल्कुल मैं इस समय मौजूद हूँ बिजनौर की नगीना लोकसभा पे, जहाँ नेटौर विधानसभा में आज मुख्यमंत्री जो है एक विशाल जनसभा को यहाँ संबोधित करने वाले हैं। आप मेरे पीछे सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से पंडाल सज चुका है, सब कुछ तैयारी हो चुकी है, अब सिर्फ इंतजार है बाबा के आने का। बाबा यहाँ से एक विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और कहीं ना कहीं अपने बीजेपी प्रत्याशी ओम कुमार के समर्थन में वोट की अपील करने वाले भी हैं। अगर देखा जाए, गौरतलब है 2019 में ये दोनों सीटों जो है बीएसपी के खाते में थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने पहले से ही सारी तैयारियां कर रखी हैं, जिसको लेकर बीजेपी कहीं कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है और दोनों सीटों पर अपना विजय का परचम लहराना चाहती है। जी अगर सुरक्षा की हम बात करें तो सुरक्षा के नजरिए से आप देख सकते हैं चप्पे चप्पे पर भी तैनात है, जहाँ हेलीपैड है वहां पर भी आप देख सकती हैं किस तरीके से पुलिस की तैनाती की गई है सुरक्षा की दृष्टि से। और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में हर बार योगी जी जनपद बिजनौर में आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं में जोश भर के जा रहे हैं, तो देखा जा रहा है कि कार्यकर्ता भी रात दिन मेहनत कर अपनी दोनों सीटों पर विजय का परचम लहराने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। जी और बिजनौर सीट बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि ये सीट हमें भूलना नहीं चाहिए कि बिजनौर वही सीट है जहां से मायावती जो है पहली बार सांसद बन के संसद पहुंची थी, तो ये बेहद अहम सीट है और यहाँ पर उनकी अच्छी खासी पकड़ भी है, तो इससे निपटने के लिए बीजेपी ने यहाँ पर क्या तैयारियां की है? देखिए कहीं ना कहीं लगता है ऐसा कि जैसे आज भी मायावती का दौरा बिजनौर में है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुल्य क्षेत्र भी है बिजनौर और बिजनौर पे काफी इंटरेस्टिंग भी है बिजनौर, क्योंकि यहाँ पर कई बड़े राजनेताओं ने अपनी किस्मत जोर आजमाइश की है और यहाँ से वो सफल होकर भी गए हैं। जैसा कि आपने भी बताया कि मायावती यहाँ से जीती, बाद में मीरा कुमारी भी यहाँ से जीती है, लेकिन मायावती कहीं ना कहीं जो वोट बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है उसे इकट्ठा करने की जद्दोजहद में लगी हुई है और वो फिर से चाहती है कि एक बार जनाधार मेरे साथ जुड़े और फिर से कहीं ना कहीं पार्टी में जान पड़ने की कोशिश हो। जी